हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई मैकेनिज्म जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वहां पे हम फॉर्म करते थे एल्कोहल को, और यहां पे हमें डिहाइड्रेशन करना है एल्कोहल का और क्या बनेगा एल्कीन। मतलब अगर आपने वो मैकेनिज्म नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाके देखें। पहले हाइड्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रेशन कर रहे थे एल्कीन का, तो एल्कीन के साथ हम वाटर का एडिशन करा के मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन के थ्रू हमने मैकेनिज्म को भी देखा था और वहां पर हमने एल्कोहल की प्राप्ति की थी। अब यहां पर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। अब डिहाइड्रेशन एल्कोहल का हो रहा है तो रिमूवल भी वाटर कहां से होगा, एल्कोहल मॉलिक्यूल से। तो एल्कोहल से वाटर को रिमूव करेंगे एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में तो हमें एल्कीन प्राप्त होगी। तो इसका मतलब तो सीधा समझ में आ रहा होगा कि जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है और जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, हाइड्रेशन एल्कीन का कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है और अगर हम लोग डिहाइड्रेशन एल्कोहल का कराएंगे तो एल्कीन प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के लिए रिवर्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको ये मैकेनिज्म पूछी जाती है क्वेश्चन के फॉर्म में, वो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लें कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। अब जो एल्कोहल लेके चल रहा है इथेनॉल, तो उसी का करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिल रहा है, मतलब इथीन। अब यहां पे आपको जब मैकेनिज्म सीखने को मिलेगी तो आप कोई भी एल्कोहल लेके चलेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग आपको एल्कीन प्रिपेयर करना होगा, वो भी किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, हाइड्रेशन करा रहे थे एल्कीन का और एल्कोहल की प्राप्ति कर रहे थे एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अब हम लोग यहां डिहाइड्रेशन कराएंगे एल्कोहल का, तो चीज तो वही है, समझ लें इसको पहले आप लोग। यहां पे पहले मेरा मकसद बोर्ड एग्जाम में आई रिएक्शन को सीधा सॉल्व करना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है। फिलहाल हम चीज का मतलब समझते हैं पहले। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि डिहाइड्रेशन किसका है, ऑफ एल्कोहल, तो इसका मतलब एल्कोहल से क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आपको पता है कि हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में, अगर आपको ध्यान है, तो हम लोग इस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहां पे हम लोग क्या बनाते थे, अगर आपको ध्यान है प्रीवियस लेक्चर मैंने ये बनाया था। तो यहां पे अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैं एडिशन कर रहा था वाटर का, अब यहां पे होने वाला क्या है कि अब मुझे एल्कोहल लेके चलना है और यहां पे एल्कोहल से वाटर का डिहाइड्रेशन, यहां पे हम ऐड कर रहे थे हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एल्कीन के साथ ऐड कर रहे हैं वाटर का तो हाइड्रेशन है, और रिमूव कर रहे हैं वाटर को तो डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन में आपको रिमूव होते वाटर सीधा सीधा नजर भी आ रहा है, और यहां से जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इन दोनों रिएक्शन को देखे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हाइड्रेशन है एल्कीन का जो कि एल्कोहल बन रहा था, और जो कि डिहाइड्रेशन है एल्कोहल का जिसमें एल्कीन बन रहा है, ये एक दूसरे का रिवर्स है। यहां भी प्रेजेंस किसकी लेते हैं हम लोग, वो एसिड की लेते हैं। तो ये मैंने बताया कि जो डिहाइड्रेशन है एल्कोहल का वो रिवर्स है किसका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब उसके बाद आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि सेकंड कि जो डिहाइड्रेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वो किसके साथ करेंगे, विद प्रोटिक एसिड। प्रोटिक और नॉन प्रोटिक एसिड आप जानते हैं, जो एसिड एचाइन रखते हैं वे सभी प्रोटिक एसिड होते हैं, और जो एचाइन जिनमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, वो सभी नॉन प्रोटिक एसिड होते हैं। ऐसे ही
आपने बेस, बेस का मतलब केवल OH का दिखना ही नहीं था, अब NH3 मॉलिक्यूल में तो हमें नजर नहीं आता, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से उसको बेस बोलते हैं। ऐसे प्रोटिक एसिड वो सभी एसिड हैं जिनमें आपको एच आयन नजर आता है, तो मैंने यहां पे ये लिख दिया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विद प्रोटिक एसिड, और आप चाहें तो यहां दिखा सकते हैं एसिड हैविंग, प्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, एसिड हैविंग एच आयन सच एज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉमा फास्फोरिक एसिड एंड ETC एंड ऑल्सो विद, और किसके साथ हम लोग कर सकते हैं, एंड ऑल्सो विद कैटालिस्ट Al2O3 एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो मैंने आपको बताया यहां पे कि डिहाइड्रेशन जो एल्कोहल का हम लोग करेंगे वो या तो प्रोटिक एसिड के साथ करेंगे, ठीक है, जिसके पास एच आयन हो, या इनमें से किसी कैटालिस्ट के साथ करेंगे। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, टू ईल्ड या टू फॉर्म, ईल्ड का मतलब फॉर्मेशन, टू फॉर्म एल्कीन। तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्कीन, या एल्कीन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपने को यही चीज करनी है, अभी हम केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखना वो मैं बताने वाला हूं, पर मैं अभी मतलब बता रहा हूं कि जो डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का वो रिवर्स होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और जो हमारे पास डिहाइड्रेशन एल्कोहल का कराएंगे वो प्रोटिक एसिड, जैसे इनमें से कोई भी एसिड ले सकते हैं जिसके पास एच आयन हो, और हम इसके साथ साथ इनके साथ भी हम लोग करा सकते हैं इसको ट्रीट, और क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्कीन, ठीक है। अब सबसे पहले कैसे कैसे हम लोग इसको कराते हैं वो भी समझ लें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमारा मकसद इसको केवल सॉल्व करना नहीं है, अभी केवल चीजों को समझना है, ठीक है, तो परेशान ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास यहां पे क्या है, एल्कोहल, अब एल्कोहल ऐसे लिखे आ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना, या आपके पास एसिड ऐसे दिखा दे कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी परसेंटेज भी दिखा देता है H2SO4 में 80%, ठीक है ना, यहां पे, और इसको ऐसे भी हो सकता है ऐसे करके दिखा दे आपको H3PO4, ये भी प्रोटिक एसिड है, या इसकी कंपोजिशन भी दिखा देता है 20%, या हो सकता है आपको ऐसे ना दिखा के आपको इनमें से कोई कैटालिस्ट दिखा दे Al2O3, या दिखा दे एनहाइड्रस ZnCl2, इन कैटालिस्ट को लेके चल सकता है, या प्रोटिक एसिड को, और एल्कोहल से हमें क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। तो यहां से ओवरऑल इनके थ्रू मिलने वाली चीज क्या होगी, एल्कीन, और एल्कोहल से एल्कीन जब बनेगा तो यहां पे डिहाइड्रेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, वो आप रिमूवल ऑफ वाटर को यहां ना दिखा के आप चाहें तो इस चीज को इधर प्लस करके भी दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल आपने यहां पे, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे टेम्परेचर भी कभी कभार दिखा देते हैं 440 केल्विन, ये 358 केल्विन, इस तरीके से। आपको ये चीज लर्न नहीं करनी है, ठीक है, केवल आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल प्रोटिक एसिड या इन कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करके हमें एल्कीन देगा, और एल्कीन जो मिलेगी वो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के थ्रू मिलेगी, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन हो रहा एल्कोहल का, मतलब ओवरऑल हमारा जो मकसद है वो क्या है कि एल्कोहल को हमें, एल्कोहल का क्या है, एसिड की प्रेजेंस में हमें इससे डिहाइड्रेशन करना, डिहाइड्रेशन का मतलब इसमें से वाटर को रिमूव कराना है, और हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छी तरीके से समझें, कोई खास नहीं है यहां पे। जैसे हमें इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको, सपोज करो मेरे पास CH3 CH2 OH,
ये मेरे पास क्या है, इथेनॉल है, ठीक है ना, इथेनॉल, और ये मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्यों बोल रहे हैं कि जो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन अदर सिंगल कार्बन से अटैच्ड है। अब यहां पे क्या होने वाला है, एसिड की प्रेजेंस, और यहां पे जैसे ही आप एसिड की प्रेजेंस लेंगे तो इसमें से क्या होने वाला है, आपको इसका करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिलेगा और रिमूव होगा वाटर। तो आप आसानी से देख सकते हैं यहां पे कि कैसे हम लोग करेंगे, जहां ये वाला OH जो है, अभी मैं जर्नल रिएक्शन केवल करके दिखा रहा हूं, अभी मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, तो आप केवल समझें। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक आपको यहां पे जो बना CH3 है, यहां से मैं क्या करूं CH3 जो था उसमें CH2 और H दिखा दे रहा हूं। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि मैं यहां से अलग कर दूं तो आपको नजर आ रहा है, यहां पे क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास यहां से वाटर रिमूव हो गया, और वाटर रिमूव जैसे ही हुआ तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन और ये ऑड इलेक्ट्रॉन आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमें इस तरीके से इथीन मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखना चाहें तो ये इथेनॉल है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सेकेंडरी एल्कोहल लेके चलूं, CH3, CH, OH, CH3, और फिर हमें कहीं दिया जाए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है ना। और अब हमें डिहाइड्रेशन कराना हो तो जिस पोजीशन पे OH लगा, जिस कार्बन पे, वो कार्बन अदर टू कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है ना। नाम आप जानते हैं, नाम कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉमेनक्लेचर आपको बेहतरीन तरीके से पता है, 1 यहां पे 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, मैथ एथ प्रोप प्रोपेन टू ऑल, क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल। अब मैंने कहा यहां पे, अब जिस पोजीशन पे OH लगा उसकी इधर उधर, अगर ये अल्फा है कार्बन है तो ये बीटा हुए हमारे पास, किसी भी एक पोजीशन से आप H ले सकते हो, उस कार्बन से H को नहीं लेना है जिस कार्बन पे OH लगा है, इसके एडसेंट कार्बन से लेना है। तो यहां पे सपोज करो मैं 2 कर ले रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन, और इस तरीके से आपने यहां से क्या निकाल दिया, वाटर, ठीक है। जैसे ही आपका वाटर यहां से रिमूव हुआ तो अपने पास क्या होगा कि यहां से ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, वैसे ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और अपने पास क्या मिल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आसानी से हम लोग क्या लेके चले थे, मैथ एथ प्रोप प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, और यहां पे अपने को क्या मिल गया, प्रोप बन इन या प्रोपीन। तो जो एल्कोहल लेके चल रहे हैं उसी का करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है। अब यहां पे हमने कहा और देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टर्सरी एल्कोहल लिया, ठीक है ना। अब आपके पास, या मैं आपसे यहां पे कोई भी लेके चल सकता हूं आपको, अब मैं मैकेनिज्म सिखा दे रहा हूं यहां पे, फिर मैं लास्ट में ये आपको दूंगा घर के लिए, तो आपको एक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा, फिलहाल जो मेरा क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द क्या, एसिड ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू यील्ड एल्कीन। और एल्कोहल भी हमें पर्टिकुलर अगर दे दिया जाए कि इथेनॉल टू यील्ड इथीन, तो उसी रिएक्शन को अभी मैं लेके चल रहा। अब यहां से हम लोग पेपर में, बोर्ड एग्जाम में कैसे करके आएंगे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में ये है CH3CH2OH, ठीक है ना, और इसकी हमें करनी है मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहां पे, और हमें यहां पे क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, जो कि मैंने पीछे आपको सिखा दिया है कि आपने यहां से OH और यहां से H यहां से हटाया। अब जो रिएक्शन अभी हम लोग देख रहे थे, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, अगर मैं यहां पे इस तरीके से आपको दिखा दूं जिससे आपको वो चीज नजर आ जाए यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे आपको आसानी से नजर आ रहा है कि मैंने अभी तो फिलहाल रिएक्शन इस तरीके से आपको समझाने के लिए बता दी, बट एक्चुअल में अब ये बोर्ड एग्जाम में करने वाली चीज है जो अपने को क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी मैकेनिज्म के लिए, ठीक है ना, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग।
मैकेनिज्म कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, पहली बात तो दिस मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन थ्री स्टेप, लुक लाइक अ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो यहां पे पहले स्टेप में हमें क्या करना है वो समझ लें, फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करना फर्स्ट स्टेप में। तो देखते हैं कैसे करेंगे, समझ लें। यहां पे अपने पास इथेनॉल है, समझते चलें आप, CH3CH2OH आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब ये मेरे पास एल्कोहल है और एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस है, ये हमारे पास कोई प्रोटिक एसिड है, गॉट इट। अब यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या करेंगे हम लोग, एक चीज बताओ बालक, कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एसिड है और यहाँ पे जो ओ के ऊपर जो प्रेजेंट है लॉन पेयर, तो इसका मतलब इस बेसिक नेचर की वजह से ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब है जो एल्कोहल होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तभी तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, CH3CH2 और यहाँ आ गया OHH, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हैं वो आपके पास ये नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, डिफिशियंसी, ठीक है। अब मुझे ये जो प्राप्त हुआ वो क्या है, हमारे पास प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, समझना बात को। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड को देखते हैं हम लोग, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे कार्बोकैटायन का, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखें फॉर्मेशन जैसे ही आप करते हैं तो कैसे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, तो अपने पास यहां पे देखें ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, इसको लिया हमने और यहां से कैसे कार्बोकैटायन यहां पे फॉर्मेशन हो सकता है उसको समझें, कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है तो दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डिफिशियंसी है, तो अपनी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए बॉन्ड का क्लीवेज किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होगा। तो यहां से क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएंगे, एक तो ऑक्सीजन का था एक कार्बन वाला भी इसी के पास पहुंच गया, तो इसकी डिफिशियंसी दूर हो जाएगी, मतलब H2O मॉलिक्यूल बाहर हुआ, तो इस पे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी कार्बन पे, तो अपने पास अब क्या मिलेगा अपने को, CH3CH2+ इथाइल कार्बोकैटायन हो गया। अब इस पर डिफिशियंसी आ गई इस कार्बन पे और यहां से वाटर मॉलिक्यूल खुश होके बाहर चले गए, डिहाइड्रेशन हो गया। अब जो कार्बोकैटायन मिला हुआ है हमें, तो थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है वो समझ लें, स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में अब आपको यहां से ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ इसका हमें क्या करना है, डीप्रोटोनेशन कर दो। डीप्रोटोनेशन किसका करेंगे, डीप्रोटोनेशन ऑब्वियसली कार्बोकैटायन का ही करेंगे। तो जब डीप्रोटोनेशन करेंगे आप तो बताइए मेरे को कि क्या है अपने पास, CH3 अपने पास क्या है, CH3। अब देखो एक चीज यहां पे ना, मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, CH3 या मैं इसको इधर ही दिखा दे रहा हूं, देखो CH3 को मैं CH2 और H दिखा दे रहा हूं, ये CH2 यहां पे पॉजिटिव मैं इधर दिखा दे रहा हूं। और अब अपने पास क्या आने वाला समझो, कि जब डीप्रोटोनेशन आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन को बाहर,
तो कार्बन और हाइड्रोजन में से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा, कार्बन की ओर। जब कार्बन की ओर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों के दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन ले गया, इसलिए ये एच प्लस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से जो चीज़ हम लेके चले थे प्रोटोनेशन कैटलिस्ट, जिस कैटलिस्ट को लेके चले थे वो हमारा बाहर हो चुका है। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या जनरेट कर देंगे, निगेटिव आयन। वो निगेटिव आयन और प्लस आयन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये मेंटेन कर देगा इनकी बैलेंसी को कार्बन की। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव आयन के फॉर्म में आपको जो दिख रहा है इस तरीके से, ये जो निगेटिव आयन है और इस तरीके से ये पॉजिटिव आयन है। तो ये निगेटिव आयन कब आया, जब इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या करेंगे, इन ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करके इनके बॉन्ड बैलेंसी को सेटिस्फाइड करा देंगे और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब अपने चार्ज को मेंटेन कर लेते हैं इस तरीके से। तो चार्ज मेंटेन हो जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इनके बीच में हो जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा तो प्लस माइनस इलेक्ट्रिक निगलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करा देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपने देखा यहाँ पे हमने इथीन का फॉर्मेशन कर लिया और क्या लेके चले थे, इथेनॉल। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाए डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू यील्ड एल्कीन, तो वो ध्यान रखना एल्कोहल में हमें इथेनॉल दिया था और बनानी इथीन थी, तो हम ये लेके चले। अब कोई भी एल्कोहल होता आप उसका एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। पहले में प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाया, दूसरे में प्रोटोनेटेड एल्कोहल से स्टेबल कार्बोकेटन बनाया। स्टेबल कार्बोकेटन का सेंस ये है कि यहाँ पे तो प्राइमरी मिल रहा है कार्बोकेटन, बट अगर सेकेंडरी के चांसेस, सेकेंडरी बनाएंगे टर्सरी के, तो टर्सरी बनाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी आपको, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो उनका इसका उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो आप वहां से देखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर रिएक्शन कईयों बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। जो क्वेश्चन पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन का एक्चुअल में आपको जो पेपर में लिख के आना वो इतना पार्ट लिख के आना है, ठीक है। अब बात आई प्रैक्टिस में, जब आप इस चीज को प्रैक्टिस में ले लेंगे तो इसमें टाइम नहीं लगना, अभी तो मैं सिखाने के पर्पज से आपको यहां पर बता रहा था इसलिए आपको समय लगा। अब जैसे मैंने सेकेंडरी एल्कोहल लिया था, चलिए मैं यहां पर एक चीज और देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं, इसको इतना आपने नोट कर लिया, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको एक रिएक्शन और बताया था, आपको ध्यान है सेकेंडरी वाला। अब इसकी मैकेनिज्म अगर आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो एक बार मैं इसको रफ करना चाहूंगा, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ करके ना एक बार आपको बता दे रहा हूं। चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास के, अब रिएक्शन में क्या लेके चल रहा हूं, सेकेंडरी एल्कोहल CH3CHOH CH3, और यहां पे मेरे पास कोई भी प्रोटिक एसिड दे रखा है, ठीक है ना, और यहां पे मुझे इसका करस्पॉन्डिंग एल्कीन अभी हम लोगों ने जो बनाया था वो आपको ध्यान होगा इस तरीके से एल्कीन बनाता, और यहां से डीप्रोटोनेशन हुआ था, मतलब वाटर बाहर चला गया था, यही बनाया था। अब यहां पे वैसे बनाने के लिए आपको मैंने यहां दिखा दिया था कि अगर आपने देखा होगा कि मुझे यहां से क्या करना था, इसके नेसेंट जो कार्बन है उससे हमने एच ओ एच इस तरीके से हटा के डिहाइड्रेशन कर लिया। बट इसी चीज की अगर मुझे मैकेनिज्म करनी हो, और अब मैकेनिज्म हमें आ चुकी है, तो उसको करने में टाइम नहीं लगेगा। हमने आपको बता रखा है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का। सबसे पहले एल्कोहल लोगे फर्स्ट स्टेप में CH3CHOH CH3, और जैसे ही आप प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एल्कोहल के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस एसिड को, ये अपनी प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहां से प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेंगे CH, यहां पे OH था, अब OH2 हो जाएगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका, तो एक की डिफिशिएंसी आ जाएगी, यहां पे ये बन चुका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल से हमें कार्बोकैटायन जनरेट करना था, सेकंड स्टेप में यहीं से कर दे रहा हूं। तो सेकंड में क्या करते थे हम लोग, कार्बन ऑक्सीजन में से बॉन्ड किधर क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन की ओर, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, और इस पे आ जाएगी डिफिशिएंसी कार्बन पे, तो यहां जनरेट हो जाएगा CH+, यहां CH3। तो ये
सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया कार्बोकैटायन, और यहाँ पे टर्सरी पॉसिबल अगर है तो बनाएंगे बन टू हाइड्राइड शिफ्ट करके, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। और यहाँ से फिर मेरा काम क्या होता है, डीप्रोटोनेशन करना। तो जैसे ही आप डीप्रोटोनेशन करेंगे तो डीप्रोटोनेशन के बाद आपको कहीं भी इसके करस्पॉन्डिंग चाहे इधर इधर एडसेंट अल्फा बीटा दोनों है, देखो यहाँ से आपके पास ये भी इसका पड़ोसी है, ये भी कार्बन पड़ोसी, किसी भी कार्बन से आप क्या कर सकते हैं, इसको एच टू कर लो, यहाँ पे एच कर लो। क्या करना अपने को, वही चीज़ है कि यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की ओर ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, कार्बन पे, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज प्लस एच आयन बाहर हो जाएगा, ये बाहर हुआ एच आयन, तो यहाँ पे जो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। बहुत आसान है, कुछ दिक्कत हुई नहीं हुई। चलो और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, अगर आपने इसको देख लिया। चलो मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें से कोई भी फॉर्म आपको एल्कोहल दे, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस दे दे, आपको एल्किन बनाना, वो भी डिहाइड्रेशन करके। अगर मैं बात करूं यहां से, आपको एक घर पे अटेम्प्ट करनी है, जैसे मैंने आपको यहां पे दे दी, सपोज करो एक क्वेश्चन आपको मैं दे दे रहा हूं, क्या सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहां पे मैंने दे दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 440 केल्विन, इस तरीके से। तो आपको वही करना है, और इसकी मैंने मैकेनिज्म भी पूछी आपसे, तो आपको पहले रुकना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से करके देखना है, जब आप कर लें ठीक है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, और उम्मीद है कि आपको चीज़ क्लियर हो ही गई होगी ठीक है। अब मैं करके सॉल्व इसलिए दिखा दे रहा हूँ, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो पॉज करके पहले सेल्फ करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप रिएक्शन को करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया सी एच थ्री सी और यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, अपने पास जो है वो इस तरीके से सी एच थ्री, ये सी एच थ्री ठीक है ना, और ये ओ एच। अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ही कर दे रहा हूँ ठीक है ना, यहाँ पे आप प्रोटॉन लेके चलेंगे, प्रोटिक एसिड है ठीक है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, यहाँ से प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाओगे सी एच थ्री सी एच थ्री और यहाँ से सी एच थ्री, यहाँ पे अपने पास ओ एच के पास ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया, यहाँ पे डिफिशियंसी आ गई, और फिर अपने को क्या करना, कार्बोकैटायन जनरेट करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर क्लीवेज हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, तो यहाँ से वाटर अपना डिहाइड्रेशन यहाँ से हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, और यहां पे अपने पास क्या बचा, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन कैसा है, टर्सरी है ठीक है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता ही है। तो अब यहां पे अपने पास क्या करना है, अपने को पता है कि यहां पे अपने को क्या करना होता है, डीप्रोटोनेशन करना होता है, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहां से अलग कर लिया ये सी एस थ्री से, और अपने पास जैसे ये डिप्रोटोनेशन करेंगे बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये बॉन्ड के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास पहुंच के माइनस साइन आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी को क्या कर देंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये एच आयन क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ही दे चुका तो एच आयन के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री, जिसको थोड़ा सा अच्छे वे में दिखाने के लिए आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं सी एच थ्री सी एच थ्री और ये डबल बॉन्डेड सी एच टू, चीज वही है। तो यहाँ से अगर देखेंगे वन टू थ्री तो ये क्या बन जाएगा, टू मिथाइल मेथेथ प्रॉप प्रॉप वन इन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आज आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के थ्रू एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैसे हम लोग एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं उसकी मैकेनिज्म देखी, बोर्ड एग्जाम के लिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों की मैकेनिज्म पूछी जाती है, इसलिए दोनों की मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ मन से घर पर सीख रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें ठीक है, और फिर से अच्छा समय आएगा ये पक्का वादा है आपसे, कि ऐसा नहीं है कि एक जैसा समय चलता है। देखो अभी आपकी ट्वेल्थ है, जिन बच्चों की ट्वेल्थ, बहुत सारी बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारे बच्चों ने, बट क्या है कि पेपर का कुछ वजह से, अब वजह तो आपको पता है ठीक है ना, कोविड की वजह से आपके पेपर कैंसिल हुए हैं, वो सॉरी पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए टेंथ की तरीके से, तो आपको ना यहाँ लगातार मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपको, अब आप सीखते रहें लगातार, अपनी प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन को कम से कम समय में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते रहें ठीक है, और
सिंपल तरीका है कि बहुत बेहतर करना है तो बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आराम में कुछ बच्चे पढ़ गए हैं कि यार ठीक है पेपर कैंसिल हो गए हैं, वो पोस्टपोन्ड हो गए, अब होंगे तब फिर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाई। आपके पास बहुत सारा मटेरियल कंटेंट आपके पास पड़ा हुआ है हर सब्जेक्ट के अंदर, आपके गुरुजन ने जो भी आपको पढ़ाया हो, आपने जिस तरीके से भी जहाँ से भी सीखा हो, हर किसी ने आपके साथ मेहनत की होगी, तो यार वो भी चाहेंगे सब लोग कि आप बेहतर करके दिखाएं। आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें, मेहनत लगातार करते रहें, और अगर किसी की रिएक्शन की जो ट्वेल्थ एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए ही मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं, अगर किसी को किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सभी ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में आने वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म जिसमें प्रॉब्लम हो रही कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी के ऊपर बनाता रहूंगा। मतलब एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास हर रिएक्शन की मैकेनिज्म आसानी से पहुंच जाएगी। फिर धीमे धीमे जब मेरे पास ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस खत्म होंगे तो मैं आपको नीट आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भी डील करता रहूंगा। ठीक है, बसरते केवल इतना है कि मैं यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लगातार घर पे मेहनत करते रहें, सीखते रहें, और आपका सीखना एक दिन बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।